गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक और अमेजिंग व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली मुझे सारी की सारी वीडियो आप तक पहुँच सकें। चलें गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो गाइस आज की वीडियो का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये वीडियो का सब्जेक्ट क्यों रखा गया और आज की वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो आप परेशान ना हो, आज की वीडियो में वर्ल्ड कप 2022 T20 वर्ल्ड कप के मुतल्लिक की बात होने वाली है। और गाइस बोर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप से मुतल्लिक शायद मेरी ये लास्ट वीडियो ही होगी। इसके बाद अब मैं वर्ल्ड कप के मुतल्लिक कोई वीडियो नहीं अपलोड क्यों करूँगा क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। तो लेकिन ये पिछली वीडियो मेरी वर्ल्ड कप के मुतालिक लास्ट ही थी, लेकिन ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ ऐसी ऐसे जो थे ना हालात बन चुके थे और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप लोगों को बताना ज़रूरी थी, जो वादा करना ज़रूरी थी, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाने पर मैं खुद अपने आप मतलब के मजबूर हो गया वीडियो बनाने पर। अच्छा, अब ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आने वाला हूँ जो पाकिस्तानी टीम की हार का सबब बने। अच्छा, पाकिस्तानी टीम ने बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर हम इन चीज़ों को देखें भाई, बहुत कमाल कमाल वो इंग्लैंड के सामने मतलब कि एक दीवार बने हैं और उनकी बैटिंग का हमारी बॉलिंग ने बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया। हमारी बैटिंग ने भी बहुत अच्छे से मुकाबला किया क्योंकि बारिश हुई थी। अच्छा, अब वो कौन से महरकात थे और वो कौन से ऐसे हालात थे जिसने मुझे मजबूर किया इस वीडियो बनाने पर, तो वो मैं अब वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलें गाइस, सबसे पहले ज़रा ना उस मैच पर चलें जो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन हुआ था और आखिरी ओवर में अंपायरों ने चलाकी की थी और बेईमानी की थी, बेईमानी के साथ भारत को हराया था। अब बेईमानी ये नहीं होती कि वादे तौर पर आप बेईमानी कर दें, बेईमानी होती है कि आप किसी टीम को किसी प्लेयर को ख़ास तौर पर फेवर देते हैं, जैसे कि उस मैच में आईसीसी एम्पायर्स ने भारत को फेवर दिया था। जब जब विराट कोहली ने जो था इशारा दिया नो बॉल का, तब एम्पायर ने नो बॉल दी। अंपायर का मतलब क्या होता है कि भाई उसने नोट करना होता है, ना कि प्लेयर ने बताना है कि भाई आप ये करो आप वो करो। ठीक है, ये बॉलर का काम होता है, वो अपील करता होता है LBW के लिए, वो अलग सीन है। बैट्समैन भाई यहाँ पे कह रहा है कि भाई नो बॉल दो, तो वो अंपायर साहब पहले बेहोश थे और बाद में उन्होंने नो बॉल दे दी। चलो भाई वहाँ पे जो होना था हो गया, हमने वो एक्सेप्ट किया कि भाई कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। भाई उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद अब ये जो फाइनल के अंदर एक अहम चीज़ जो आपको बता दूँ, शहीन का ओवर चल रहा था, शहीन का सेकेंड ओवर था वो, तो शहीन के सेकेंड ओवर में जो उनका इंग्लैंड का बैट्समैन था फिल सॉल्ट, उसको शहीन ने फुल टॉस बॉल करवाई। अब फुल टॉस बॉल पे जो था वो हुआ LBW, तो जो फील्ड में अंपायर खड़ा था सामने एनक वाला, उसका मुझे नाम नहीं आता, मैं भूल गया हूँ शायद, तो आप लोगों को शायद ज़्यादा पता हो मेरे से, एक हेल्दी सा, एक मोटा सा और एक एनक वाला है। तो आधे मैच में जो हेल्दी सा है वो लेग अंपायर होता है और दूसरा फील्ड पर होता है सामने, और आधे मैच में वो उधर होता है, मतलब इंटरचेंज होते रहते हैं। तो उस टाइम वो फील्ड पर था, अब उसने उसको कर दिया है मतलब कि नॉट आउट दे दिया, शहीन की अपील पे उसने नॉट आउट दे दिया। तो शहीन ने बाबर को कहा और मतलब के सब ने रजामंदी के साथ बाबर ने फिर क्या रिव्यू ले लिया। अब रिव्यू के लिए थर्ड अंपायर के पास गया। अब आपको मैं एक वर्ड बोलने वाला हूँ, अंपायर्स कॉल, ये शायद आप लोगों ने पहले सुना भी हो और ना भी सुना हो। ये ICC ने बहुत ही गंदा एक रूल निकाला है। अंपायर्स कॉल का मतलब होता है कि भाई अगर थर्ड अंपायर ने कह दिया ना अंपायर्स कॉल, उसका मतलब है कि जो फील्ड फील्ड वाला अंपायर है ना, उसने जो फैसला दे अपनी मर्जी से देना वो दे दे, मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा, मतलब मैंने ये फैसला फील्ड अंपायर पर छोड़ दिया। तो भाई थर्ड अंपायर के पास फैसला गया, उसने सारा चेकअप करने के बाद जब देखा कि आउट है, तो उस भाई साहब ने क्या किया जी, उसको इंग्लैंड को फेवर देने के लिए वो सारे का सारा जो है उसने कह दिया अंपायर्स कॉल, मतलब अब फील्ड का अंपायर जो है ना वही फैसला करे। अब कोई अंपायर पागल है भाई कि वो अपने ही पिछले फैसले को रिवर्स करे? अब अगर वो रिवर्स करेगा तो भाई जो शायकीन बैठे हैं वो उस पर ही तोहमत लगाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे कि भाई तूने पहले गलत क्यों दिया था। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो फैसला क्यों रिवर्स ले? उस भाई साहब ने फिर क्या किया, अंपायर को जब उसको मिली है
उसने चुप करके भाई उस अपने फैसले पर कायम रहा, उसने कहा नॉट आउट। इस तरीके से बेईमानी की गई पाकिस्तानी टीम के साथ और इंग्लैंड को दी गई फेवर। अच्छा अभी इसकी वजह क्या है भाई, BCCI जो है ना वो महंगा तरीन क्रिकेट बोर्ड है जो इंडिया का है, और इधर ICC जो है उसके मेन मेंबर्स भी भाई साहब इंडिया के हैं और इंग्लैंड के हैं। तो भाई फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस साबित हुआ कि नहीं हुआ, ये आज की जो स्टोरी थी ना इसका इखलाकी सबक यही निकला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जो ताकत में होगा उसका ही काम चलेगा। तो गाइज हमारी यही दुआ है कि भाई अल्लाह ताला जो है किसी तरीके से हमारी टीम को कामयाब कर दे, वरना ये जो लोग हैं ना ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह हमारी टीम का हामी नासिर हो। इसी दुआ के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। गाइस वीडियो के एंड पर आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मैंने बेलकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो तक पहुँच सके। तो चलें गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।